पे जो खड्डे हुए हैं तो रोज का ट्रैफिक उसकी वजह से जाम होता है। इतने खड्डे हैं, नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा कि ये रोज का खड्डा हो गया है। अब एम्बुलेंस फंसी हुई है, फंसी हुई है और मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास हो या फिर मुमरा का मुख्य सड़क, दोनों जगह पर आज ट्रैफिक जाम लगी रही और इस ट्रैफिक जाम में एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। मुमरा की ये तस्वीर है जहां मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए ये एम्बुलेंस निकली थी मगर ट्रैफिक जाम में फंस गई। एम्बुलेंस में मौजूद मरीज के लिए जहाँ एक एक सेकेंड कीमती है तो वहीं घंटों जाम में ये एम्बुलेंस फंसी रही। हालांकि किसी तरह से इस एम्बुलेंस को रॉन्ग साइड से रास्ता दिया गया जिसके बाद ये एम्बुलेंस आगे की तरफ बढ़ पाई। ट्रैफिक जाम की जो वजह है ये सबसे बड़ी वजह गड्ढे बताए जा रहे हैं, जो सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। भिमंडी की तरफ जाने वाला जो मुख्य रास्ता है वहाँ पर गड्ढों की भरमार है और इसी वजह से इस रोड पर रेती बंदर और मुमरा बाईपास, सील फाटा, मुमरा की मुख्य सड़क आज जाम यहाँ पर लगा रहा। लगभग मुमरा बाईपास और सील फाटा का जो एरिया है यहाँ पर पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रही, लेकिन शाम होते होते जो मुमरा की मुख्य सड़क है मुमरा रेलवे स्टेशन के तरफ जाने वाला, यहाँ पर भी शाम होते होते जाम की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सरकारें विकास का ढोल में भले ही पीट रही हों मगर सच्चाई ये है कि ये सरकारें सड़क पर हुए गड्ढों को अभी तक भरने में पूरी तरह से फेल नज़र आ रही हैं और इन्हीं गड्ढों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। मुमरा के दाभोलकर के पास गड्ढों का अंबार लगा हुआ है, सड़कों पर कदम कदम पर आपको गड्ढे मिलेंगे, पूरा पुल गड्ढों से भरा हुआ है। आप जिस तरफ दाभोलकर के पास नज़र घुमाएंगे आपको गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे। मगर किसी को क्या पड़ी है, चाहे एम्बुलेंस जाम में फंसी रहे तो फंसी रहने दो, सड़कों पर गड्ढे हैं तो गड्ढे रहने दो। नेता तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाते हैं। मुमरा शहर में दाभोलकर से लेकर रेती बंदर या फिर मित्तल ग्राउंड के पास या फिर गुलाब पार्क मार्केट, ऐसे अन्य जगह पूरे रास्तों पर आपको गड्ढे मिलेंगे और गड्ढों की वजह से जाम लगा हुआ है। अब मुमरा बाईपास की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये ठाणे की तरफ जाने वाला मुमरा बाईपास का रास्ता है जो पूरे तरीके से जाम है। ऊपर से जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट भी बंद है जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवरों से अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ पर लूटपाट और जानलेवा हमला भी ट्रक ड्राइवरों पर हो सकता है। मुमरा बाईपास की ये तस्वीर है, तस्वीरों में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि ये जाम जो है सुबह से ही बताया जा रहा है कि इसी तरह से लगा हुआ है, धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे की तरफ बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि मुमरा रेलवे स्टेशन के तरफ जाने वाला जो रास्ता है ये शाम के वक्त जाम था और जाम इस कदर हुआ कि जो बाइक सवार हैं वो फुटपाथ पर आपको बाइक चलाते हुए नज़र आएंगे। जो दुकान है उन दुकानों के सामने से ये बाइक वाले रोड छोड़कर फुटपाथ के ऊपर से बाइक लेकर चलते हुए नज़र आ रहे हैं और नेताओं को मुमरा शहर के गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं। अक्सर जो नेता हैं वो कहते हैं कि मुमरा शहर में गड्ढे नहीं हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए उन नेताओं को मुमरा शहर में हुए गड्ढों को देख लेना चाहिए और इन गड्ढों की भरवाने की जहमत भी जरा नेताओं को उठाना चाहिए। क्या बोल रहे बोलो? जो ब्रिज है फास्ट ट्रैक का उधर पे जो खड्डे हुए हैं तो रोज का ट्रैफिक उसकी वजह से जाम होता है। प्रशासन से टीएमसी से ये मांग है क्या वो रोड बनाए जल्द से जल्द। तो खड्डे हैं, यहाँ के जो नेता है वो तो बोले रिक्शे की वजह से जाम हो रहा है, इतने खड्डे हैं नेताओं को दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा कि ये रोज का खड्डा हो गया है। अब एम्बुलेंस फंसी हुई है, फंसी हुई है और रोड उधर खड्डे इतने हैं क्या उसकी वजह से रोड ट्रैफिक होता है। नेताओं को क्या बोलेंगे? नेताओं का इसमें कोई काम ही नहीं है ना, प्रशासन का काम है, इसके अंदर टीएमसी का काम है, उनको करना चाहिए ये सब काम।